वेलकम बैक टू हिताक्षीज थॉट्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक डिफरेंट सा वीडियो। रोज की तरह आज के वीडियो में साड़ी ड्रेप नहीं होगा, साड़ी ड्रेप के साथ साथ मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक अलग सा DIY। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवल एसेसरीज। नवल एसेसरीज मीन्स कि नवल में हम लोग पियर्सिंग करा लेते हैं, और पियर्सिंग कराने के बाद हम बाली पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं। इसी तरह मैंने आज यहाँ पे अपने बेले बटन में ये एक बटन यूज़ किया है, और इस बटन को बनाने के लिए मैंने अपना एक ओल्ड ईयरिंग यूज़ किया है। मैंने कोई पियर्सिंग नहीं कराई है, ये मैंने अपने एक पुराने ईयरिंग से बनाया है, जो ईयरिंग्स मैं अब नहीं पहनती हूँ। तो मैंने सोचा इसका रीयूज़ कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल एक सिंपल ईयरिंग लिया है, और इस ईयरिंग को मैंने ग्लू ड्रॉप की हेल्प से चिपका लिया है। आप इसको डबल टेप की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, और आप अपनी किसी भी ज्वेलरी को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक चेन का भी यूज़ किया है। ये मेरी एक पुरानी चेन है जिसे अब मैं नहीं पहनती हूँ, इसका कलर थोड़ा डल हो गया है, तो मैंने सोचा इसको भी आज रीयूज़ कर लेते हैं। और ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो स्टोन लगा है वो बड़े सुंदर कलर का है और शेप भी बहुत अच्छा है, तो मुझे इसको फेंकने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। तो इसको रीयूज़ करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बेले चेन बना लूँ। मुझे ये बेले चेन पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट ये मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलती है, तो मैं इसको ख़रीद नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका DIY बना लेती हूँ। तो मैंने अपनी ये पुरानी चेन को निकाला, और ये चेन को मैंने जब मेज़र किया तो ये थोड़ी छोटी थी, तो मैंने इसमें एक चेन का टुकड़ा और ऐड कर लिया है। मेरे पास और पुरानी ज्वेलरी थी जिसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा चेन का निकाला और मैंने वो इसमें ऐड कर लिया है। चेन का टुकड़ा ऐड करने के लिए आप किसी भी चेन में से एक छोटा रिंग निकाल के डाल के उसको ऐड कर सकते हैं, और ये बन गया है बेले चेन। मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल एक छोटा सा मैंने चेन का टुकड़ा ऐड किया है, और आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, ये बेले बटन के साथ भी अच्छा लग रहा है, और आप इसको बिना बेले बटन के भी पहन सकते हैं। तो ये था मेरा आज का DIY जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे। और ये मेरे आपको DIY कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बेले चेन को हम वेस्ट लाइन पर पहन लें, बट बेले चेन जो है वो बेले के ऊपर पहना जाता है, वेस्ट लाइन के ऊपर नहीं, और ना ही कमर के नीचे। कमर के नीचे पहनने के लिए कमर बेल्ट आता है, वेस्ट लाइन के लिए वेस्ट चेन आती है, और बेले चेन बेले पे ही पहना जाता है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये बेले बटन कैसे लगाया था। तो ये देखिए, ये है मेरा ईयरिंग्स, और ये ईयरिंग्स का पीछे वाला पोर्शन है जिसमें हम लॉक लगाते हैं। इसके ऊपर मैंने ये एक ग्लू गन ड्रॉप लगाया है। ग्लू गन ड्रॉप आते हैं बैलून्स वगैरह चिपकाने के लिए, या साड़ी वगैरह के लिए, ज्वेलरी के लिए, इस टाइप के रहते हैं। इस पे छोटे छोटे से ग्लू ड्रॉप्स होते हैं जिनको हम उतार सकते हैं, या अगर आपको ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप इसकी जगह डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। डबल टेप थोड़ी वाइट होती है तो वो दिखती है, तो इसलिए मैंने इसका ग्लू ड्रॉप का यूज़ कर लिया है। डबल टेप आप ट्रांसपेरेंट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ईयरिंग के पीछे वाले पोर्शन में लगाया, और इसको इस तरह से अपनी नवल के अंदर इसको हमने चिपका लिया, और ये बहुत इजीली चिपक जाते हैं, कोई पेन भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, हमारे जो ईयरिंग की डंडी होती है, वो चुभेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इजीली लग जाता है। बहुत बड़ी डंडी वाला ईयरिंग आप ना चूज़ करें, वही ईयरिंग चूज़ कर लें जिसकी डंडी थोड़ी छोटी है। तो ये देखिए, बेले बटन और बेले चेन दोनों एक साथ भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं अपनी साड़ी की। तो आज मैं करने वाली हूँ ये वाली साड़ी ड्रेप। ये शिफोन की साड़ी है, जो लाइनिंग वाला शिफोन होता है। इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हमारे जो प्लीट्स होते हैं वो ऊँचे नीचे हो जाते हैं नीचे से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ड्रेप करें। सबसे पहले मैंने एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह साड़ी के फर्स्ट कॉर्नर में एक छोटी सी गांठ लगा ली है, और अब हम इसको ड्रेप करेंगे अपने बेसिक टक के साथ। बेसिक टक आप कभी भी पीछे से ना स्टार्ट करें, बेले सेंटर से स्टार्ट करें, क्योंकि पीछे से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक प्लीट कम हो जाता है। अगर आप बहुत पतले हैं तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपना
बेसिक टक स्टार्ट किया मैंने सेंटर से, पीछे से नहीं, तो यहाँ से जब हमने अपना बेसिक टक स्टार्ट किया तो उसके बाद हम इसको बहुत ही हम इसको नीटली स्टार्ट करेंगे और इसको हम पीछे से एक चक्कर घुमाते हुए इस साइड में आके हम इसको टक करके इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी को टक कर लिया है और फिर हम अपने दोनों हाथों से पीछे वाला पोर्शन टक करेंगे। दोनों हाथों से इसलिए, वो अगर आप उसको दोनों हाथों से करेंगे तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन टक होगा। तो यहाँ पे मेरा बेसिक टक कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे अपनी साड़ी के प्लीट्स बना लेंगे। नॉर्मली हम जो प्लीट्स बनाते हैं वो हम इस तरह से अपनी साड़ी के प्लीट बना लेते हैं और शिफॉन साड़ी में इस तरह से प्लीट बन भी जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इजीली प्लीट बन गए हैं, बट इन प्लीट्स में यही प्रॉब्लम आती है कि ये छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस फर्स्ट प्लीट को ले लिया है, जो हम बड़ा प्लीट लेते हैं इस फर्स्ट प्लीट को मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया और इस प्लीट को मैंने अंदर की तरफ टक कर लिया है। जैसे हम नॉर्मल सारे प्लीट्स को टक करते हैं, सेम उसी तरह से हमने इस बड़े प्लीट को भी अंदर की तरफ अपने टक कर लिया है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको टक किया और टक करने के बाद मैंने क्या किया कि टक करने के बाद हमने इसको नीचे की साइड से हम इसमें प्लीट्स बनाने शुरू करेंगे। तो ये मैंने नीचे से इस प्लीट को पकड़ लिया है और अब हम यहाँ से प्लीट बना लेंगे। मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी ये वाला तरीका आपको बताया था कि अगर आपको प्लीट्स बनाने बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लीट बना लिए हैं और इन प्लीट्स को हम अपनी पैरों की उंगलियों के नीचे दबा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको दबा लिया है। अब मैं अपना पहले पल्लू सेट कर लेती हूँ क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्टफ होगा वो फिर सारा फिटिंग में और प्लीट्स में चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे जितना मुझे पल्लू पोर्शन रखना था वो मैंने रख लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने सारे प्लीट्स खोल दिए हैं जो हमने बनाए थे। अब हम यहाँ पे दोबारा से प्लीट बनाएंगे अपने जो हमने पैरों के नीचे प्लीट्स दबाए थे उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लीट बनाया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड प्लीट बनाया, फिर फोर्थ प्लीट बनाया, फिर फाइव, और इस तरह से देखिए इस साड़ी में कितने सारे प्लीट्स भी आए हैं। और इस साड़ी में हमें यहाँ पे कोई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अंदर की तरफ हाथ डाल के एक्स्ट्रा स्टफ निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टफ आप हल्का सा यहाँ पे अपने साइड में टक करें और उसके बाद अपने सारे प्लीट्स को एक एक करके इस तरह से ऊपर की तरफ खींच लें। इस तरह से क्या होगा ना कि नीचे जो आपका एक्स्ट्रा प्लीट है वो ऊपर आ जाएगा और आपके सारे प्लीट्स बिल्कुल इक्वल आएंगे, नीचे से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं जाएगा। और यहाँ अपने प्लीट्स को हल्का सा डस्ट करें, एडजस्ट करें और एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से टक कर लें और अपने पूरे प्लीट्स को टक कर लें। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लीट्स को एडजस्ट करते हुए अपने नवल के साथ यहाँ पे टक कर लिया है। तो यहाँ सेंटर टू नवल आप अपने प्लीट्स को टक करें और एक्स्ट्रा पार्ट को इधर पीछे ले जाएं, उसे बहुत पीछे भी ना ले जाएं, अदरवाइज़ फर्स्ट प्लीट भी पीछे चला जाएगा। और यहाँ पे अब हम अपना पल्लू सेट कर लेंगे। तो ये साइड की फिनिशिंग को थोड़ा सा क्लीन करते हुए मैंने ये फ्री हैंड पल्लू ले लिया है और यहाँ पे आप एक पिन लगा लें अपने शोल्डर पे और ये देखिए साड़ी इज़ रेडी। तो ये देखिए साड़ी कितनी सुंदर आई है और प्लीट्स देखिए सारे इक्वल प्लीट्स आए हैं और इसमें आप इजीली चल भी सकते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ अगर आप प्लीट्स वाला पल्लू करना चाहते हैं तो आप अपने पल्लू को छोटे छोटे प्लीट्स में बनाएं क्योंकि शिफॉन बहुत लाइट होता है तो वो लटक जाता है। तो बहुत चौड़े प्लीट्स ना बनाएं, छोटे छोटे प्लीट्स बनाएं तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा ही आते हैं छोटे बनाने के बाद भी। तो यहाँ पे मैंने प्लीट्स बना के उनको सेट कर लिया है और उसको शोल्डर पे डाल लिया है। आप उसको अच्छे से नीचे तक अपने प्लीट्स को सेट कर लें और सेट करने के बाद आप शोल्डर पर एक पिन लगा लें। तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर लिया है और इसमें यहाँ मैं एक पिन लगा लूँगी और ये देखिए ये मैंने पिन लगा लिया है और ये आपकी प्लीटेड साड़ी रेडी हो गई है। ये प्लीटेड में भी बहुत सुंदर लगती है और शेप भी बहुत अच्छी आती है शिफॉन की। तो ये देखिए कितनी अच्छी शिफॉन की शेप आई है और शिफॉन साड़ी पहनना बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत लाइट वेटेड भी होती हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे नवल चेन और नवल बटन DIY आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो फिर मैं आगे आपके साथ इस तरह के और DIY जरूर शेयर करूंगी। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी नए टिक्स ट्रिप्स और न्यू ड्रेप्स एंड न्यू नवल चेन एंड नवल बटन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।